नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो टेक में। मैं हूं भावना शर्मा और आपको रोज बताती हूं आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। 18 जनवरी का दिन है आज, साथ ही में थर्सडे का दिन है। जानेंगे आपके लिए आज का दिन कैसा रहेगा। राहु काल का समय आज 1:43 PM से लेकर 3 PM तक का रहेगा। अब चलिए शुरुआत कर लेते हैं अपनी राशियों के साथ। अपना मून साइन फॉलो करेंगे आप अपने टैरो कार्ड से अगर राशिफल देख रहे हैं तो। इसी के साथ पहला कार्ड आप लोगों के लिए निकलता है 3 of Cups। अच्छा और मीठा बोलकर आप अपने काम को आज के दिन में पूरा करवा लेंगे। साथ ही में आपको अचानक धन लाभ हो सकता है, फंसा हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है। साथ ही में परिवार का कोई सदस्य किसी खास काम के लिए आपकी मदद करेगा। तो आज के दिन में ओवरऑल कुल मिला के देखा जाए तो दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शुभ है। उपाय क्या करेंगे, घर के उत्तर पूर्व की दिशा में यानी कि घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, जिसे हम ईशान कोण भी कहते हैं, उसे साफ रखिए, साफ सुथरा रखिए, उसमें किसी भी तरह की कोई गंदगी ना हो। ऐसा करने से आपके घर में फाइनेंसिस का जो फ्लो है वो बेहतर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। कार्ड निकलता है आप लोगों के लिए द फूल। तो आज के दिन में वृषभ राशि वालों को कुछ अच्छे अवसर, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। किसी खास काम के में पहल भी आपको करनी होगी। कहीं ना कहीं पे आपके लिए अगर आप इनिशिएटिव्स नहीं लेंगे तो आपका काम भी नहीं बन पाएगा। अपने मन की बात कहने में आज के दिन में संकोच आपको नहीं करना है। साथ ही में परिवार के साथ आज काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइम आप स्पेंड करेंगे। पॉजिटिव बनाएं चीज़ों को और ख़ासतौर पे अपने एटीट्यूड को भी अगर पॉजिटिव बनाए रखने की कोशिश करेंगे तो आपको रिजल्ट्स भी आज अच्छे ही मिलेंगे। उपाय क्या करना है, राधा कृष्ण की उपासना आज ज़रूर कीजिए। ऐसा करने से आपके रिश्तों में मिठास बढ़ेगी, लंबे समय से चल रहा वाद विवाद भी खत्म होगा। मिथुन राशि वालों की बात कर लेते हैं। कार्ड निकलता है 6 of Cups। तो आज जेमिनाइज को आपके कामों में किसी ना किसी तरह की दिक्कत आ सकती है। हो सकता है डिलेज फेस करने पड़े या हो सकता है किसी और की वजह से आपको परेशानी हो। भागदौड़ करने से चिड़चिड़ाहट आपकी बढ़ सकती है और साथ ही में पार्टनर से आपका सहयोग तो मिलेगा लेकिन हो सकता है आप उनकी फीलिंग्स को नहीं समझ पाएंगे। पार्टनर का सुझाव आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है तो आज उनकी बातों को अनदेखा नहीं करें। उपाय क्या करना है, आज किसी भी मंदिर में या किसी नीडी पर्सन को भी आप दे सकते हैं दूध का दान। देना आज बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। तो कैंसरियंस के बारे में बात कर लेते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कार्ड निकलता है 9 of Swords। आप लोगों को बिजनेस में अचानक धन लाभ होने के योग नजर आ रहे हैं। आप भी अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स, बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं। इस राशि के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आज हार्डवर्क करेंगे तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ कर बोलें आज के दिन में। ऐसा ना हो आपकी बात सामने वाले को बुरी लग जाए और आपका बनता हुआ काम बिगड़ जाए। थोड़ा सा मानसिक तनाव और कुछ नुकसान होने के योग भी नजर आ रहे हैं, इसलिए इन्वेस्टमेंट आज नहीं करनी है। पैसे का लेन देन भी आज नहीं करना है। उपाय क्या करेंगे, आज शाम के समय गाय को हरा चारा खिलाना अपने हाथ से बहुत ही अच्छा रहेगा। अब जान लेते हैं कि आज का दिन लियो के लिए कैसा है। सिंह राशि वालों के लिए कार्ड निकलता है 6 of Wands। दुश्मन आप पर थोड़े से हावी हो सकते हैं, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने का प्रयास करें। कहीं ना कहीं पे जो आपकी कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी तरफ से कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स या कुछ ऐसा आप लोगों की लाइफ में आपके काम में कुछ परेशानी आ सकती है। आपके फालतू खर्चा जो है उसको, उस पर थोड़ा सा नियंत्रण लगाने का प्रयास करें क्योंकि आज के दिन में आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। धैर्य और एकाग्रता आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के दिन में। जितना ज़्यादा आप अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे उतना ही आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कन्फ्यूजन्स लेकिन आज दूर होंगी। आपके मन में किसी भी तरह का कोई भ्रम था, कोई कन्फ्यूजन थी, आज उसका आपको उपाय या उसका सोल्यूशन जरूर मिलेगा। उपाय क्या करना है, मूंग की दाल का सेवन करना आज बहुत ही अच्छा रहेगा। कन्या राशि वालों की बात कर लेते हैं। कार्ड निकलता है आप लोगों के लिए 8 of Cups। आज बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको मिल सकता है, वो आपके काम की सराहना करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। तो आज के दिन में वो कुछ भी काम करने से पहले उनके चरण स्पर्श जरूर कीजिए। कानूनी मामलों में अच्छा समय दिखाई दे रहा है लेकिन उस पर ध्यान देने की भी ज़रूरत है। अचानक से होने वाले किसी भी घटनाक्रम पर आप तुरंत कोई फैसला लेने से बचें। कोशिश करें कि तुरंत ही आप अपने मन में सोच करके कोई फैसला नहीं लें। कोशिश करें कि आप लोगों की सलाह मशवरा ज़रूर करें। कुछ ज़्यादा ही मेहनत आज करनी पड़ेगी आपको अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो। उपाय क्या करना है, किसी भी मंदिर में जाकर के या मंदिर के जो पंडित जी हैं उनको खड़ाव दान करने हैं आपको। बात कर लेते हैं लिब्रंस की। कार्ड निकलता है आप लोगों के लिए किंग ऑफ सोल्स। तो लिब्रंस को आज पैसों के मामले में थोड़ा सा नुकसान हो सकता है तो जल्दबाजी करने से बचें। जल्दबाजी में कोई भी इन्वेस्टमेंट आप नहीं करें, बहुत उसे सोचे समझे, उसके बाद अगर आपके लिए फायदेमंद हो तभी उसके लिए आप आगे बढ़ेंगे। पार्टनर्स आपकी भावनाओं को समझेंगे और साथ ही में सहयोग भी करेंगे। आपकी सेहत सामान्य रहेगी आज के दिन में लेकिन थोड़ी सी थकान महसूस हो सकती है तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक स्केड्यूल्स आज नहीं बनाने हैं। साथ ही में अपने अगर स्केड्यूल्स आपने बना लिया अपनी डेली रूटीन के लिए तो उसको आप
पहले से ही प्री प्लानिंग करके मैनेज करके चलें। उपाय क्या करना है, कलरफुल कपड़े आज जितने ज़्यादा पहनेंगे उतना ही आपका लकी चार्म बढ़ेगा, साथ ही में आपको हर काम में किस्मत का साथ जरूर मिलेगा। बात कर लेते हैं स्कॉर्पियंस की। कार्ड निकलता आप लोगों के लिए द हेरोफेरेंट। ये कार्ड ये कह रहा है नौकरी पेशा लोगों की लाइफ में कुछ अच्छे मौके आ सकते हैं, साथ ही में कुछ स्टूडेंट्स को आसानी सफलता आज के दिन में मिल सकती है। शेयर मार्केट में सोच समझ कर निवेश करें, जल्दबाजी नहीं दिखाएं। उपाय क्या करेंगे, राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर के आपको इत्र चढ़ाना है, ऐसा करने से आपके रिश्तों में मिठास और प्रेम बढ़ेगा। सैजिटेरियस के बारे में बात कर लेते हैं। धनु राशि वालों के लिए कार्ड निकल रहा है नाइन ऑफ सोर्ड्स। आपके लिए जो समय है बहुत अच्छा है, साथ ही में अपने कोई भी काम है उसको नियमित रूप से हटकर कोई नया काम आप कर सकते हैं आज के दिन में, नए लोगों से मिल सकते हैं, साथ ही में नए स्थान पर घूमने भी जा सकते हैं। आज यात्रा का योग भी बन रहा है, लेकिन आपके वो पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई यात्रा होगी। फालतू चिंता और डर दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि अभी का जो समय है ये बहुत ही अच्छा है। जितनी आप मेहनत करेंगे, जितना इनपुट डालेंगे, उतना ही आपको आउटपुट भी मिलेगा। उपाय क्या करना है, घर में कोई छोटी बहन हो या आपके घर परिवार में और आपकी फैमिली में कोई छोटी बच्ची हो, उसको कोई गिफ्ट दे देना है आज आपको। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी, आपके फाइनेंसेस में आ रही दिक्कतें खत्म होंगी। जान लेते हैं मकर राशि वालों के लिए दिन कैसा रहेगा। तो कैप्रिकॉर्न्स के लिए कार्ड निकलता है नाइन ऑफ पेंटाकल्स। कोई खास काम पूरा होने की उम्मीद थी वो पूरा न हो तो उसमें तनाव में नहीं आए, कोशिश करें कि थोड़ा सा संयम रखें, थोड़ा धैर्य रखें, उसके लिए खुद को तैयार आप पहले से ही कर लीजिए। आप बॉस के साथ अपने संबंधों को लेकर थोड़े सावधान रहिए, आज कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। और लव लाइफ में आज खुशियां रहेंगी, पार्टनर्स आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, साथ ही में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट भी होगी। उपाय क्या करेंगे, किसी भी गौशाला में जाकर आप पैसे से जुड़ा दान कर दीजिए, ऐसा करने से आपके व्यवसाय में एक्सपेंशन होंगे, अपने व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी। जान लेते हैं कुंभ राशि वालों के लिए दिन कैसा है। कार्ड निकलता है आप लोगों के लिए पेज ऑफ सोल्स। आज के दिन में कोई पार्ट टाइम काम आपको मिल सकता है, साथ ही में ऑफिस में साथ काम करने वालों से आपके संबंध में अचानक कोई बदलाव भी आ सकता है जो कि आपके लिए फेवरेबल होगा। घर परिवार के मामलों पर आपको पूरा ध्यान देने की जरूरत है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को खास तौर पर समझिए। उपाय क्या करेंगे, कंबल का ध्यान देना आज बहुत ही अच्छा रहेगा। आखिरी राशि की तरफ बढ़ते हैं, जान लेते हैं मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है। कार्ड निकलता है आप लोगों के लिए द स्ट्रेंथ। किसी भी बातचीत या सौदेबाजी से आपको खुली और साफ बातें रखनी है अपनी तरफ से, अपने जो विचार है उनको बिल्कुल क्लियर रखें, किसी से मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो इस चीज़ का ध्यान रखें। कोई भी महत्वपूर्ण काम आपका है उसको निपटाने का प्रयास करेंगे आज। बिजनेस में स्थिति उत्साहवर्धक रहेगी, जी हाँ, आज के दिन में कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है जिसकी वजह से एक्साइटमेंट लेवल्स बहुत अच्छे रहेंगे। स्टूडेंट्स को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, साथ ही में आज के दिन में किसी अनजान व्यक्ति पर आप भरोसा नहीं करें अगर वो आपका किसी भी पैसे से जुड़ा हुआ अगर लेन देन कर रहे हैं तो। उपाय क्या करेंगे, चावल और चीनी का दान आज के दिन में करना है, ऐसा करने से आपके काम में जो डिलेज आ रहे हैं वो खत्म होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी और आपके लिए लेकर आऊंगी आपके दिन का हाल, लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एस्ट्रो तक।